नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कई बार जिक्र आता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि हम तो सामाजिक संगठन हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये झूठ होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक मामलों में पूरा हस्तक्षेप करता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी को गलतफहमी हो गई कि संघ की उनको जरूरत नहीं है। जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ मुंह फुला के बैठ गया और शायद मोदी जी बहुमत से दूर हो गए। संघ के और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते क्या हैं, क्या आंतरिक संघर्ष है, क्या आंतरिक द्वंद है, इन सारे विषयों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है। गला खराब है तो आज मेरा आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी चेंज लग रही होगी। अब मैं जानना चाहता था कि संघ और भाजपा के जो रिश्ते हैं उस पर अभय जी का क्या आकलन है। उन्होंने बड़ा शोध किया, इसलिए मैंने सोचा आज इस विषय पर बातचीत करूँ। रोचक बातचीत है, पूरा सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के 4PM न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हम लोग राजनीतिक घटनाक्रम पर रोज बात करते हैं कि आज ये हुआ, आज वो हुआ। आपका भास्कर में मैंने एक लेख पढ़ा था जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के रिश्तों के ऊपर है। तो मैं आज आपसे ये समझना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच बहुत कन्फ्यूजन है, रिश्तों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन बार बार मीडिया जगत में, मीडिया के बाहर परिलक्षित होता रहता है। ये रिश्ते एक्चुअल में है क्या? क्या संघ वाकई में बीजेपी को पूरा कंट्रोल करता है या भाजपा उसके कंट्रोल में नहीं है? मैं आप लेख पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आज इस विषय पे बातचीत की जाए। है क्या, दोनों के रिश्ते हैं क्या? देखिए, मेरे सामने तो परिस्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी संघ की राजनीतिक भुजा है। संघ उसके जरिए देश की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है, चुनाव जीतकर। बिल्कुल सीधी, जब वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होता तब भाजपा को रणनीति थमाता है कि वो दूसरे दलों के साथ में एक गठजोड़ करें, और गठजोड़ करने के लिए अगर उनके बुनियादी मुद्दे कुछ हैं ऐसे जिनको दूसरे दलों को आपत्ति है तो उनको स्थगित कर दिया जाता है। आपको ध्यान होगा 90 के दशक में जब एनडीए की रचना लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, तो उन्होंने गोरक्षा, धारा 370 और समान नागरिक संहिता, ये तीनों मुद्दे उठाकर बैक बर्नर पे ताक पर रख दिए थे कि जब हमारा हमारा स्पष्ट बहुमत होगा तब हम उन मुद्दों को फिर से सामने लाएंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आए उन मुद्दों को सामने लाते रहे। अब इसमें समझने की बात है कि संघ के जो अन्य संगठन हैं उनमें और भाजपा के बीच में फर्क क्या है। अन्य संगठनों से संघ का कोई अंतर्विरोध नहीं होने की संभावना है, क्योंकि वो संगठन संघ के साथ ही रहते हैं लगातार, और उनके और संघ के बीच में किसी किस्म की कोई दूरी नहीं है, कोई अंतराल नहीं है, कोई गैप नहीं है उन दोनों के बीच में। आप मान के चलिए एक बहुत बड़ा सा भवन है, उस बड़े से भवन में एक बड़ा कमरा है जिसके अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैठा हुआ है, और दूसरे इर्द गिर्द छोटे छोटे कमरे हैं उनमें संघ के अन्य संगठन हैं, और वो दिन रात संघ का जो केंद्र है उसके साथ में निर्देश लेते रहते हैं, उसके साथ बातचीत के जरिए अपना काम चलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमरा जो है उस भवन से बाहर है, क्योंकि उसे काम इस तरह का करना है, इसलिए उसका भवन से बाहर है। क्योंकि उसका कमरा भवन से बाहर है इसलिए कभी कभी भाजपा और संघ के बीच में कुछ मतविरोध हो जाते हैं, जो अंतराल जरूरी है, दिखना चाहिए अंतराल, वो अंतराल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उससे कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए भ्रम पैदा होता है कि संघ भाजपा को नियंत्रित कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्या भाजपा संघ से आजाद हो गई है या आजाद होना चाहती है। कभी कभी ये होता है कि किसी नेता की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तब फिर ऐसा लगता भी है कि वो भाजपा जो है संघ से आजाद होना चाहती है। भाजपा का जो पहला वाला रूप था भारतीय जनसंघ, उसके साथ भी इस तरह की समस्याएं थी। आपको याद होगा बलराज मधोक एक बहुत ही लोकप्रिय भारतीय जनसंघ के लोकप्रिय नेता थे, जिनको संघ की सहमति से ही भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष बनाया गया था। यहां तक कि उन्होंने उस जमाने में भारतीयकरण की थीसिस दी थी उन्होंने, यानी हिंदूकरण कहने की बजाय हमको भारतीयकरण कहना चाहिए, और संघ ने उस थीसिस को अपना भी लिया था। और उनकी भाषण देने की क्षमता इतनी अच्छी थी और वो इतने कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी अच्छी साख थी कि वो धीरे धीरे करके उनका कद अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर हो गया था। लेकिन जिस दिन संघ को लगा कि बलराज मधोक स्वायत्त होते जा रहे हैं उससे, उस दिन बलराज मधोक को उठाकर पृष्ठभूमि में फेंक दिया गया और उनकी जगह अटल बिहारी वाजपेयी और संघ के बिल्कुल संघ से जुड़े हुए उनको समर्थन करने वाले जो नेता हैं उनको दोबारा फिर स्थापित किया गया। तो ये होता है, नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए तो उनके अंदर ये एक
अंदेशा था, संघ को लगता था कि अंदेशा है कि ये व्यक्ति वैसी हरकत कर सकता है जैसी कभी बलराज मधोक ने हरकत की थी, वो हमसे स्वतंत्र होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया था। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनते ही संघ और संघ के दूसरे संगठन थे, विश्व हिंदू परिषद वगैरह, उन सबके नेताओं को ममानियत कर दी थी कि वो गुजरात सरकार में नहीं घुस सकते, गुजरात सरकार के मुख्यालय में नहीं घुस सकते, और वो कहते थे कि अलग से हम दोनों के बीच में संबंध रहेगा लेकिन आपको रोजमर्रा की सरकार चलाने की गतिविधियों में आपका हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये 12 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने संघ का हस्तक्षेप नहीं होने दिया, लेकिन केंद्र में भारत बहुत बड़ा है, गुजरात एक छोटी जगह है, तो वहां ये चल सकता था। इसलिए जब प्रधानमंत्री बने तो वो वैसा तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि संघ को सरकार के दायरे से ज्यादा बाहर रखे। उन्होंने केवल शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उसको हस्तक्षेप करने की इजाजत दी, और बाकी जो संघ के लोग विभिन्न मंत्रालयों में काम करते थे उनकी संख्या भी अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले काफी कम कर दी। इससे संघ का माथा ठनका, लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय थे और उनके नाम पे वोट मिल रहा था, वो उस प्रकार का नारा देते थे कि आपका आप मुझे वोट कमल पर बटन दबाइए, आपका वोट सीधा मुझे मिलेगा, इस तरह की बात उन्होंने 2014 के चुनाव में कही थी, और उनके नाम पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत भी मिला। तो इसकी वजह से एक ऐसी परिस्थिति बनी जिससे संघ ने नरेंद्र मोदी के सरकारी कामकाज में कम से कम हस्तक्षेप किया, तो उससे नरेंद्र मोदी को भी ये भ्रम हो गया, और नरेंद्र मोदी के जो आसपास लोग थे, अमित शाह हैं, जयप्रकाश जगत प्रकाश नड्डा हैं, इन सब लोगों को भ्रम हो गया कि हम धीरे धीरे स्वतंत्र शक्ति के रूप में विकसित होते जा रहे हैं, अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, और अब हम बिल्कुल आजाद हो गए हैं, संघ से कुछ पूछताछ करने की या संघ के सहयोग की हमें जरूरत नहीं है। उसी का नतीजा, और फिर 2019 में और भी बेहतर बहुमत मिला, इसकी वजह से और ये मुगालता उनका बढ़ा। उसकी वजह से ही पिछले 2024 के चुनाव में मतदान से पहले ही नड्डा ने ये बात कही कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारा विस्तार हो गया है, हमें संघ की जरूरत नहीं है। तो इससे ये एक तरह का माहौल बना कि भाजपा बहुत शक्तिशाली हो गई है, वो अब संघ की सदस्य जरूर है, संघ परिवार की सदस्य जरूर है, लेकिन वो अन्य सदस्यों की तरह नहीं है, उसकी हैसियत कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है, वो संघ से भी बड़ी हो गई है। और इस तरह की बातें भी कही आने लगी कि पूरा संघ जो है वो नरेंद्र मोदी की जकड़ में आ गया है, एक एक नेता जो है वो उन्हीं के, यहाँ तक कि संघ का जो आला कमान है, संघ की जो प्रतिनिधि सभा है, उसके जो पदाधिकारी हैं, उन सब में नरेंद्र मोदी की पसंद के लोग बैठा दिए गए हैं, और संघ के लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद में संघ को काफी संसाधन सप्लाई किए हैं, उनके दफ्तर बहुत भव्य हो गए हैं, और बहुत चमक संघ सादगी से जो रहता था उसमें चमक दमक पैदा हो गई है। इसलिए संघ मोदी जी का मुखापेक्षी हो गया है, यानी मोदी जी का मोहताज हो गया है संघ, इस प्रकार की तमाम चर्चाएं चल रही थी। और चूंकि मोहन भागवत मौन थे और संघ की तरफ से मोदी की आलोचना कभी कभार प्रतीकात्मक रूप से होती थी, सीधे ना होकर प्रतीकात्मक रूप से आलोचना होती थी, संघ के लोगों से अगर बात करो तो वो कहते थे, उनसे कहा भाई मोदी जी को आप क्या समझते हैं, तो लोग कहते थे कि मोदी जी को हम लोग बहुत ज्यादा पसंद तो नहीं करते लेकिन वो नेता है देश के और उनकी वजह से राष्ट्र का काम हो रहा है, इसलिए हम उनको चलते देना चाहते हैं, इस प्रकार की बात संघ की तरफ से होती थी। लेकिन जैसे ही बहुमत खोया 2024 के चुनाव में मोदी ने, वैसे ही संघ ने फिर दोबारा वापसी की, और फिर अब इस वक्त स्थिति वही है जो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले की थी। भारतीय जनता पार्टी संघ की राजनीतिक भुजा है, संघ के निर्देशों पर काम करती है, संघ के निर्देशों का उल्लंघन करना या उसको नजरअंदाज करना अब भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं हुई। बीच में मोदी के नेतृत्व में आप कह सकते हैं कि एक विचलन आया था, थोड़ा सा दोनों का संबंध जो है पटरी से उतरा था, क्योंकि सत्ता का मद जो है वो इन लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। अब संघ मौजूदा स्थिति को गड़बड़ाना नहीं चाहता, लेकिन आप ध्यान से देखिए, उसने मोदी के ऊपर छींटाकशी बंद कर दी है, उसने मोदी की जो आलोचना मोहन भागवत के जरिए हो रही थी और इंद्रेश कुमार ने भी की थी और उसके बाद में रतन शारदा ने और ऑर्गेनाइजर में लिखे लेखों में वो सब आलोचनाएं हो रही थी,
वो सारी आलोचनाएं बंद हो गई हैं। अब एक तरह से ऊपर ऊपर एक एकता कायम हो गई है। अंदर जो अंतर्विरोध है वो अभी भी कायम है, लेकिन इन अंतर्विरोधों में इस वक्त संघ का हाथ बहुत भारी है। भारतीय जनता पार्टी फिर से पूरी, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से उसकी मातहती में आ गई है। जो कुछ देश में हिंदुत्व की राजनीति के नाम पर हो रहा है वो सब भारतीय जनता पार्टी, वो संघ द्वारा बनाई गई योजना के मुताबिक हो रहा है। संघ ने जिस तरीके से मोहरे रखे हैं, सारी राजनीतिक चालें उसी तरीके से चली जा रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो एकता कायम हुई है ऊपर ऊपर जो आप बता रहे हैं कि संघ में और मोदी में, ये एकता किन किन शर्तों पर कायम हुई है, कैसे हुई है ये एकता? मुझे लगता ये है कि संघ का आकलन भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नेतृत्व के बारे में यह है कि ये मोदी के नेतृत्व का आखिरी दौर है। अब मोदी ज्यादा से ज्यादा अगर चलेंगे तो 2029 या उससे पहले, कुछ पहले तक चलेंगे। संघ की अपनी तरफ से कोशिश होगी कि 2029 का चुनाव मोदी के नेतृत्व में न लड़ना पड़े, क्योंकि 10 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी जमा हुई थी उसका परिणाम ये निकला कि आपका बहुमत चला गया। अब 15 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी जमा होगी उसका परिणाम तो और भी ज्यादा खराब निकल सकता है। उसका परिणाम यह भी निकल सकता है कि भाजपा की 100 से 150 सीटें कम हो जाएं और वो पूरी तरीके से विपक्ष में चली जाए। तो इसलिए वो, मुझे लगता है कि संघ एक नए नेता की तलाश में है, लेकिन वो ये प्रक्रिया इस तरह नहीं चलाएगा जिससे लगे सरकार कमजोर हो या मोदी की शख्सियत कमजोर हो और उससे इस तरह के संघ और मोदी के बीच में झगड़ा है, इस तरह की बातें फैल जाए, ये सब वो नहीं करेगा। ये सब काम जो ठंडा करके, जो खाना खाने का मुहावरा है, सारी चीजें ठंडी करके खाई जाएंगी और आराम आराम से धीरे धीरे सरकार को मजबूत रखते हुए, हिंदुत्व की राजनीति को मजबूत करते रखते हुए, एक मुसलमान विरोधी और पाकिस्तान विरोधी पूरा डिस्कोर्स चलाते हुए ये काम किया जाएगा और धीरे धीरे मोदी की जगह एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश होगी और जब वो तलाश पूरी हो जाएगी तब उस नेतृत्व को स्थापित किया जाएगा। मुझे लगता है कि इस, ये पूरी लाइन ऑफ एक्शन जिसको कहते हैं ना, ये एक दूरगामी रणनीति है जो 3 से लेके 5 साल के बीच में कार्यान्वित की जाएगी। अच्छा, एक टाइम ऐसा भी आया था जब संघ ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस का समर्थन कर दिया था, कहा जाता है कि संघ ने नाराज होकर, वो घटनाक्रम क्या था, क्यों कहा जाता है कि संघ? वो देखिए 1984 की बात है, 1984 में जब इंदिरा गांधी का, उनके सिख अंगरक्षकों ने हत्या कर दी इंदिरा गांधी की, उस सारे देश में एक अफसोस की लहर आई और पूरी हमदर्दी कांग्रेस को मिली। उससे पहले स्थिति क्या थी कि जब भारतीय जनता पार्टी बनाई, जनता पार्टी के 1970 में हुए जनता पार्टी के प्रयोग के विफल होने के बाद में, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रमुख थे, उन्होंने संघ की विचारधारा गांधीवादी समाजवाद घोषित कर दी, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा गांधीवादी समाजवाद घोषित कर दी। संघ में इस बात को लेकर नाराजगी थी, संघ इस बात से खुश नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी तरफ से गांधीवादी समाजवाद और एक साथ में एकात्म मानववाद भी जोड़ दिया, एकात्म मानववाद दीनदयाल उपाध्याय का दिया हुआ सिद्धांत था उसको भी जोड़ दिया उन्होंने, लेकिन मुख्य तौर पर गांधीवादी विचारधारा की बात कही गई जो संघ को स्वीकार नहीं था। तो इसकी वजह से अटल बिहारी के प्रति उनके मन में एक नाराजगी थी। फिर जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और सारे देश में कांग्रेस के समर्थन की लहर चली और राजीव गांधी उसी समर्थन की लहर पर सवार थे और चुनाव हुआ, तो उसमें संघ ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया और स्वयंसेवकों से कहा कि आप वो जो चाहे वो कर सकते हैं, वो अनिवार्यता कोई भाजपा का सपोर्ट समर्थन करें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इस प्रक्रिया में ये हुआ कि संघ का जो अपना आधार था उन सब लोगों ने भी उस चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में केवल 2 सीटें रह गई, उसके सारे बड़े नेता चुनाव हार गए और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगा जैसे कि नेस्त नाबूद हो जाएगी, ये हुआ। तो जैसे ही चुनाव हुआ उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हार के कारणों की समीक्षा करनी शुरू की। समीक्षा करने के लिए कृष्णलाल शर्मा जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसे केएल शर्मा कमेटी कहा जाता है। उस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट रखी और उस जांच रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी, पहले तो सांत्वना दी गई थी कि हमें जितने वोट मिले हैं हमारा जो विचारधारात्मक आधार है वो हमें, उतने वोट हमें मिल गए हैं, इसलिए ज्यादा चिंता होने की जरूरत नहीं है, उसका क्षय नहीं हुआ है।
फिर केएल शर्मा कमेटी ने कहा कि भाजपा को ये सब गांधीवादी समाजवाद वगैरह छोड़कर अपने जो मुद्दे हैं उनके ऊपर लौटना चाहिए और नेतृत्व में परिवर्तन करना चाहिए। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी से अध्यक्षता ले ली गई और लालकृष्ण आडवाणी स्थापित हो गए अध्यक्षता में और उन्होंने फिर संघ जो हिंदुत्व के जो स्थाई स्थापित मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाना शुरू किया और 84 से लेकर और 89 तक 90 के दशक की शुरुआत तक उन्हीं मुद्दों के ऊपर राजनीति की गई जिससे भारतीय जनता पार्टी की धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में फिर से वापसी हुई। तो ये कहानी है। इससे भी यहां भी स्पष्ट होता है कि बिना संघ की मदद के भाजपा कुछ नहीं है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो उन्होंने दो संगठनात्मक कदम उठाए नए किस्म के। पहला कदम तो ये था कि उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी द्वारा बनाई गई नीति का खंडन किया। उन्होंने आडवाणी जी की नीति ये थी कि एनडीए को जितना मजबूत किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में उतनी ही आगे बढ़ेगी। वो हमेशा कहते थे एनडीए प्लस प्लस, आडवाणी जी का ये आग्रह था। मोदी जी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। मोदी जी ने कहा कि भाजपा प्लस प्लस होना चाहिए, बीजेपी प्लस प्लस होना चाहिए। जितना हम बीजेपी को मजबूत करेंगे और अपने आप जिसको हमारे साथ जुड़ना होगा वो जुड़ जाएगा। तो उन्होंने अपना फोकस एनडीए को मजबूत करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में, पार्टी को मजबूत करने में लगाया और भाजपा के विस्तार की नई नई रणनीतियां निकाली। इसे एक रणनीति ये थी कि मिस्ड कॉल दी जाए, मिस्ड कॉल के जरिए हम भाजपा की मेंबरशिप बढ़ाएंगे। यानी जरूर भाजपा केवल कार्यकर्ता आधारित पार्टी नहीं रहेगी बल्कि जन आधारित पार्टी होगी। एक मास पार्टी के रूप में भाजपा को विकसित किया जाएगा और दूसरे दलों से, पहले भाजपा में दूसरे दलों से नेता जब आते थे तो उनको लेने के प्रति एक संकोच रहता था कि ये संघ की परंपरा में दीक्षित नहीं है, हिंदुत्व की परंपरा में दीक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी ने उस संकोच को त्याग दिया। उन्होंने कहा हर कीमत पर भाजपा का विस्तार किया जाना चाहिए, नए क्षेत्रों में किया जाना चाहिए, नए नए लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, उसमें वो संघ की परंपरा में हो या ना हो। इस प्रक्रिया में भाजपा का बहुत तेजी के साथ विस्तार हुआ, बड़े पैमाने पर दूसरी पार्टियों से भी लोग लिए गए और साधारण लोग भी भाजपा के सदस्य बहुत बड़े पैमाने पर बने और धीरे धीरे भाजपा ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये सब नरेंद्र मोदी के जमाने में हुआ। इस रणनीति का फायदा ये हुआ कि दूसरे दलों को लगा कि ये पार्टी सत्ता में भी है और बहुत बड़ी बनती जा रही है, बहुत विशाल बनती जा रही है। इसमें दूसरी पार्टियों से जितने भी नाराज नेता आए जो सत्ता में भागीदारी करना चाहते थे वो सब भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक एनडीए भी बना, एनडीए भी बना रहा और भारतीय जनता पार्टी भी मजबूत होती रही। इन दोनों प्रक्रियाओं का फलितार्थ ये हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी बहुत ही विशाल और मजबूत लगने लगी और धीरे धीरे भाजपा, पहले मैं कह चुका हूं कि भाजपा के अंदर भी मुगालता पैदा हुआ कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही शक्तिशाली हो गए हैं। उसी का नतीजा नड्डा जी की बात में निकला और नड्डा जी की बात बिना मोदी और शाह की सहमति के नहीं बोली जा सकती थी। नड्डा जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मोदी और शाह की सहमति के बिना वो ऐसा बयान इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार को देते। तो संघ समझ गया कि मोदी और शाह जो है वो हमसे अपने जो पुराने संबंध थे उनको बदलना चाहते हैं वो, और वो अगर वास्तव में नड्डा के ये कहने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 350 और उससे ज्यादा सीटें जीत जाती तो हो सकता है कि संघ और भाजपा के संबंध स्थायी रूप से बदल जाते और वो केवल ये इतिहास रह जाता। संघ ने भाजपा को जन्म दिया, ये केवल ऐतिहासिक तथ्य रह जाता। लेकिन जो परिपक्व भाजपा के तौर पर संघ से उसके संबंध मामूली रह जाते, संघ की वो संघ का सम्मान करते, उनकी पूजा अभ्यर्थना होती, ये कहा जाता कि हमारे स्वयं से हमारे उनके साथ संबंध है, ये हमारे जन्मदाता हैं, लेकिन बाकी और कोई संघ का कोई नियंत्रण नहीं रहता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन 2024 में मतदाताओं ने इस परिस्थिति को बदल दिया। आपने मेरे लेख में एक दिलीप देवधर नाम के सज्जन का नाम पढ़ा होगा जिनको मैंने लिखा है कि वो सार्वजनिक जीवन में संघ की प्रामाणिक आवाज है। दिलीप देवधर ने ही अपने एक संदेश में मुझे बता, उनके संदेश के जरिए मुझे पता चला कि नरेंद्र मोदी संघ मुक्त भाजपा बनाना चाह, संघ मुक्त भाजपा और संघ मुक्त सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन उनके ये प्रयास 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने विफल कर दिए।
अब स्थिति यह है कि एक ऐसी भाजपा बनाई जाएगी जिस जो जिसमें संघ और मोदी का संयुक्त नेतृत्व होगा। अब आप सोचिए इस बात को, संघ और मोदी का संयुक्त नेतृत्व होगा, यानी मोदी जी की लीडरशिप भी रहेगी लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरीके से उसमें लीडरशिप पे स्थापित हो जाएगा। अब देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद में संघ ने भाजपा के प्रति अपनी अपरिहार्यता स्पष्ट कर दी है, स्थापित कर दी है, साबित कर दी है कि उसके बिना भाजपा का काम नहीं चलने वाला है। और अब संघ अपना अध्यक्ष स्थापित करने के लिए पूरा जोर लगाएगा। अब दिल्ली का चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब उसमें कोई ऐसी बड़ी बात है, दांव पे नहीं लगी हुई है, पूरी विधानसभा भी नहीं है दिल्ली। लेकिन बिहार के चुनाव से पहले, काफी पहले, बिहार का चुनाव तो साल के आखिरी महीनों में होगा, बिहार के चुनाव से पहले संघ भाजपा पर अपना अध्यक्ष, भाजपा में अपना अध्यक्ष चुनवाएगा और पूरी तरीके से भाजपा की बागडोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथों में चली जाएगी। ये परिस्थिति है। और उसके बाद लगभग ये तय हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी को बाहर जाना है। नरेंद्र मोदी की उम्र भी बढ़ रही है, अब पहले ऐसी फुर्ती और पहले वो स्टेमिना वगैरह सब नहीं रहा, वो सब उनके चेहरे पे दिखाई पड़ता है, उनकी चाल ढाल में दिखाई पड़ता है, वो टीवी पर जो चलते हुए वो शान के साथ दिखाए जाते हैं वो तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि एक अभिनीत किस्म का क्लिप होता है, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। तो संघ के पास ये सही मौका है कि वो नरेंद्र मोदी को धीरे धीरे समझाएं, और शायद उन्होंने समझा भी दिया है। नरेंद्र मोदी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मान भी गए हैं कि अब उनको रिटायरमेंट के बारे में, अवकाश ग्रहण करने के बारे में सोचना होगा। तो बिना मोदी जी की बदनामी किए हुए, बिना उनकी अथॉरिटी में कोई कोताही किए हुए, बिना ये दिखाए हुए सार्वजनिक रूप से कि मोदी जी में वो दम नहीं रही, संघ धीरे धीरे मोदी जी को फेज आउट करेगा। ये प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, इस प्रक्रिया में अगर मोदी जी को इस तरह रिटायर किया जाएगा तो फिर अमित शाह और जेपी नड्डा का क्या होगा? खासतौर से अमित शाह और जेपी नड्डा की हैसियत तो और भी छोटी है, उनका तो आप नाम, हम लोग नाम ना लें वही बेहतर है। जो अमित शाह सीधे नरेंद्र मोदी के व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी के बिना उनकी कोई हैसियत नहीं है। जब वो गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो अमित शाह गृह राज्य मंत्री होते थे गुजरात के, और उन्होंने कभी कैबिनेट रैंक का मंत्री भी नहीं बनाया नरेंद्र मोदी ने उनको, लेकिन वो सारे उनके काम को किया करते थे। बाद में उत्तर प्रदेश का उन्होंने इंचार्ज बनाया, उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया अमित शाह ने, और एक तरह की चुनावी रणनीति बनाने में अपनी कुशलता उन्होंने दिखाई। उस प्रक्रिया में उनका कद बहुत बड़ा, और आज भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है और भाजपा को जो चुनावी सफलताएं प्राप्त हुई है उसमें अमित शाह का महत्वपूर्ण योगदान है, इस बात को मानना पड़ेगा। अमित शाह कई जगह नाकाम भी हुए हैं, जैसे दिल्ली का चुनाव वो आज तक नहीं जीत पाए, 2015 में महागठबंधन ने जिस व्यक्ति को हराया था वो नरेंद्र मोदी ही थे, और भी कई चुनाव अमित शाह की तमाम कोशिशों के बावजूद भाजपा हार गई। तो लेकिन उसमें कामयाबी ज्यादा है और नाकामी कम है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अमित शाह की भी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा प्रकट होना स्वाभाविक ही है। भाई वो भी तो कब तक नंबर दो बने रहेंगे, जब उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं तो उसकी जगह कोई आएगा ना, तो अमित शाह कहते हैं नंबर एक के दावेदार तो वो ही है। अब ये उनको देखना है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे पटाते। देखिए, अगर उन्होंने संघ को नहीं पटाया तो वो नहीं बन पाए। केवल नरेंद्र मोदी अपने उत्तराधिकारी का फैसला नहीं कर सकते, संघ नरेंद्र मोदी जरूर पूछेगा तो वो बता देंगे भाई हमारे नंबर एक के अमित शाह हैं, इनको बना दीजिए, लेकिन वो संघ उसके लिए, उसकी वजह से उनको नहीं बनाएगा। अमित शाह भी रेस में है, होड़ में है अमित शाह, लेकिन वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी संभावना उनके बनने की संभावना कमी है। अच्छा, इसी संदर्भ में फिर योगी और अमित शाह तो संघ के लिए तो योगी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, योगी जी की बात बहुत की जाती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी जी ने जो प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन मुझे नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री पद के लायक प्रदर्शन है। आप देखिए, जो मोदी ने गुजरात में किया था वैसा प्रदर्शन योगी का उत्तर प्रदेश में नहीं है। मोदी ने गुजरात
मोदी ने झूठ या सच जो भी हो, उन्होंने एक गुजरात मॉडल की स्थापना की थी मोदी, और पहले चुनाव में गुजरात मॉडल को केंद्र में रखकर प्रचार किया गया कि जो व्यक्ति गुजरात में इतनी प्रगति कर सकता है, गुजरात को चमचमा सकता है, वो सही गलत क्या हो इसकी बाद में चर्चा हम लोग कर लेंगे, वो कर सकता है, वो देश का और भी ज्यादा बड़ा कर, और सारे देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, बड़े बड़े कारपोरेट जार थे, वो सब मोदी के समर्थन में खड़े हो गए जब वहां पर बड़ी बड़ी मीटिंगें की जाती थी, वाइब्रेंट गुजरात की मीटिंगें की जाती थी, तो मुकेश अंबानी जैसे लोग कहते थे कि देश का राजा कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, इस प्रकार की बातें ये लोग कहा करते थे। इस प्रकार अभी 7 साल से मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 7 साल से 7-8 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में इस तरह का ना माहौल बना है, ना इस तरह की कोई योजना है उनके साथ में। मोदी ने बड़ी कुशलता दिखाई थी, वहां पे एक अमेरिकी कंपनी को उन्होंने हायर किया और उससे पूरी अपनी वाइब्रेंट गुजरात की योजना बनाई, ऐसा सब कुछ इनके साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने एक कोशिश जरूर की, इन्होंने सारे देश में अपने होर्डिंग लगवाने शुरू कर दिए योगी जी ने, अभी से नहीं, पिछले कम से कम 1-1.5 साल से जहां उत्तर प्रदेश से जगह कोई ताल्लुक नहीं वहां भी इनके होर्डिंग दिखाई पड़ जाएंगे। मजेदार बात बनती नहीं है, मोदी जी की राजनीति इनके मुकाबले ज्यादा सोफिस्टिकेटेड थी, ज्यादा नफीस थी। और इन होर्डिंग की कहानी में मजेदार बात यह है कि योगी जी ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन सूचना विभाग ने करोड़ों रुपए के होर्डिंग लगाए हैं और उसमें भयंकर घोटाला हुआ है, मतलब 50% पैसे का घोटाला हुआ है। ये इसकी शिकायत भी की गई कि योगी जी आप अपने होर्डिंग तो पूरे देश के अलग अलग राज्यों में लगा रहे हो। एक कोई अंशुमान सिंह नाम के सज्जन बताए जाते हैं, वो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन के बड़े करीबी हैं, तो सारे ठेके अंशुमान सिंह को, अधिकतर ठेके अंशुमान सिंह को। तो यहाँ तो उत्तर प्रदेश में जो ईमानदारी की बात की जाती है उसमें भी ऐसे बड़े बड़े घोटाले हो जाते हैं, होर्डिंग तक में घोटाला हो जाता है। मोदी और योगी के एक और फर्क की तरफ ध्यान दो, मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो गुजरात की राजनीति और सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण था, कोई उनको चुनौती देने की स्थिति में नहीं था वहां पर गुजरात। यहाँ तो है, यहाँ तो कोई नियंत्रण है ही नहीं उनका, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल मोदी के इशारों पर नाचती थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो आपके दोनों उप मुख्यमंत्री आपके खिलाफ है, कोई भी आपके खिलाफ बयान दे देता है, दिन रात योगी जी की टांग खिंचाई होती है, आप योगी जी उनको अंडर कट करने की कोशिश करते रहते हैं, एक तरह का शीतयुद्ध छिड़ा रहता है उत्तर प्रदेश में। तो ये जो ठीक है, अगर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, संघ उनको बनाए रखेगा, वो अलग बात है, मतलब जब तक वो चुनाव हार नहीं आएंगे तब तक संघ उनको मुख्यमंत्री बनाए रखेगा, लेकिन वैसा कोई स्थिति नहीं है। मोदी ने एक अलग तरह का माहौल बनाया था, अलग तरह का प्रभाव मंडल बनाया था अपने अपने इर्द गिर्द, वो वैसी स्थिति नहीं है कोई वहां पर। राजनीति के ऊपर कैसे नियंत्रण रखा जाता है, पार्टी पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, केवल मुसलमानों को गाली देने से थोड़ी ना आप कोई चुनाव जीत सकते हैं, ये बिल्कुल गलत फहमी है योगी जी की। देखिए ये बहुत बुरी तरीके से इनको नुकसान होगा, आज अगर आला कमान और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी जी से बिल्कुल अलग हो जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, खत्म हो जाएंगे बिल्कुल एकदम, उनको गोरखपुर लौट जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20 सालों में नौकरशाही कभी कितनी हावी कभी नहीं रही जितनी समय यूपी में है, और भ्रष्टाचार का करप्शन का आलम जिले जिलों में इतना, कभी अखिलेश और मायावती की सरकार में भी नहीं रहा जो इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पहुंच गया है। अब बहुत रोचक बातचीत की आपने अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और इन्होंने बहुत विस्तार के साथ बताया कि संघ क्या चाहता है और मोदी और योगी क्या चाहते हैं, अमित शाह का क्या आकलन रहेगा। कैसी लगी बातचीत, एक बार फिर कमेंट जरूर कीजिएगा, थैंक यू।